अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना यासिन चैनल और आप देख रहे हैं चांद सितारे टीवी। दोस्तों आज की हमारी वीडियो ख्वाजा गुलाम फरीद की मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में है। तो उस हिस्ट्री से शुरू करने से पहले जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है एक कंडा शरीफ जहाँ ख्वाजा गुलाम फरीद ने एक दिन क़याम किया था। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और मेरे साथ है कज़न और मेरा भांजा आयकर भाई, हेलो कर दे यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना यासिन चैनल और आप देख रहे हैं चांद सितारे टीवी। तो दोस्तों आज जो बात कर रहे हैं ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की, जो एक सूफी एक शायर हैं, तो उनके लिए अगर बात की जाए तो चाचा शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले थे और मशहूर सूफी शायर थे, जो उनमें उनके जो सरैकी में हैं कलाम बहुत ही ज़्यादा हैं। तो 271 उन्होंने सरैकी में कलाम लिखे और उसके बाद अगर आप कई नामों से मशहूर मरूफ थे, जैसा कि ख्वाजा गुलाम फरीद, खुर्शीद आलम, पीर फरीद, ख्वाजा साहब, रोहिदा घोट, पीर फ़कीर, ये जो हैं ये आम नाम जो हैं ये मशहूर थे, हर किसी के ज़बान पे ये मशहूर थे। और उसके अलावा 100 से 500 बंदा आपके साथ हमेशा रहता था। आप जो बहुत सखी थे, आप बहुत ही आपका ना एक एक वक्त का जो लंगर है वो उसमें जो जैसा मैंने पढ़ा है मेरी जो हिस्ट्री में है, तो मेरे हिस्ट्री में आया है कि 12 मन चावल और 8 मन गंदम उसका एक एक वक्त का लंगर चलता था। उसके साथ अगर बात की जाए तो उनकी पैदाइश की बात की जाए तो मंगल रोज़ मंगल 25 दिसंबर 1845 को बहावलपुर के एक कस्बा है जिसका नाम है चाचा शरीफ, उधर पैदा हुए। उनके वालदैन का ताल्लुक पहले जो है कोट मिठन से था, तो जब सिखों ने कोट मिठन पर हमला किया तो आप इधर तशरीफ ले आए चाचा शरीफ में और आप चाचा शरीफ में पैदा हुए। उसके बाद उनकी वालदा का आपकी वालदा का जो इंतकाल आपकी चार वर्ष उम्र में हो गया और आपके वालद भी आपके 8 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो आपके वालद का नाम खुदा बख्श और महबूब इलाही था। आपके वालदैन बहुत ही अच्छे आदमी थे और उसके अलावा आप 26 साल की उम्र में रोही चोलिस्तान जहाँ मैं खड़ा हूँ इधर तशरीफ़ ले आए। और ये जो कंडा है सामने, ये कंडा है मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, कंडा शरीफ पर ना आपने एक दिन क़याम किया था, तो इधर उनकी दरबार बनी हुई है। और ख्वाजा गुलाम फरीद चोलिस्तान में 26 वर्ष की उम्र में इधर तशरीफ़ ले आए और 18 साल मुसलसल इधर रहे और सैकी शायरी भी की, जिसमें आपके जो हैं वो शाकिर थे नवाब सातिक, मैंने का नाम सुना ही होगा, बहावलपुर के मशहूर नवाब थे, तो उनके शागिर थे, आपके शागिर थे। तो आपने उनको एक तलकीन की कि सरैकी ज़बान में एक लफ्ज़ पेश किया जो था कि ज़ेर बण ज़बर न बण, मतलब पेश होगी, इसका मतलब मैं आपको समझाता चलूँ कि नरमी पेश करो, सख्ती से पेश ना हो ताकि आप पर भी बुरा वक्त ना आए। तो क्या ही उन्होंने ये लफ्ज़ लिखा। उसके अलावा मेरे पास और भी एक उनका एक कलाम का छोटा सा फिक्र है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उनके सरैकी कलाम में से चंद जो लफ्ज़ हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो उनने एक बहुत ही अजीम बात लिखी है सरैकी में कि वेख फरीदा मट्टी खुली, मट्टी उते मट्टी डली, मट्टी हसे मट्टी रोवे, अंत मटीदा मट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, चार दिनों का मेला दुनिया फिर मट्टी दी ढेरी। और मैं इसके अलावा अगर बात करूं तो उनकी शादियों के बारे में बात करूं तो उन्होंने 3 शादियां की, 3 जो पहली है वो राजनपुर से की, दूसरी जो है वो मुल्तान से की और तीसरी हमारी रोही चोलिस्तान से की। इसके अलावा भी बहुत सारी हिस्ट्री है जो वीडियो में आपको बताता चलता हूँ। उससे पहले हम ज़्यारत करते हैं कंडा शरीफ की और चलते रहें मेरे साथ। तो कंडा शरीफ की बात करें तो ये हैं आप कंडा शरीफ जो हैं रोही चोलिस्तान में। तो ये देख सकते हैं लोगों ने ये जो टोकरियां हैं, टोकरियां बना के इधर रखी हुई हैं। उसके अलावा ये जो है ना फूलों के हार भी बनाए हुए हैं
इधर नमक भी रखा हुआ है, पत्थर भी रखा हुआ है, ये नमक भी है, नमक भी इधर से आप ले सकते हैं। और इधर आ जाए, इसके अलावा खास बात ये है जो हर मज़ार पे लगा होता है, ये देखिए ये भी लगा हुआ है, ये गला रखा हुआ है। और उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, भाई साहब इधर ले आए, तत्ती थी जोगिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब माड़ फिरा, सुन बर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं सान सबक। क्या ही मशहूर और बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है ख्वाजा साहब की। उसके अलावा हर दीवार पे आपको इधर आएंगे, जब हर दीवार पे सराकी आपका जो सराकी कलाम है वो हर कलाम लिखो आपको नजर आएगा, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद उसका एक बोर्ड लगाया हुआ है जो अभी और सारा है। उसके अलावा अगर वो दिखाएं, उसके अलावा ये जो है आप देख सकते हैं हर दीवार पे जो है सराकी कलाम लिखा हुआ है। इसमें से अगर जो बहुत ही अच्छा कलाम है वो मैं आपको एक पढ़ाता हूँ, पढ़ के दिखाता हूँ, सुनाता हूँ आपको। और जो मशहूर बात है वो ये दिखाएं, ये लिखी हुई है कि खुश थी फरीदा शाद वल, मुँह झांक ना कर याद वल, चौका थी सिन आबाद वल, ए नैना रासी हिक मणि। क्या ही बहुत ही अच्छे अल्फाज लिखे हुए हैं। मेरे जो पसंद जो फेवरेट जो कलाम है वो ये है, खुश थी फरीदा शाद वल, मुँह झांक ना कर याद वल। अगर आप भी सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऐसे कलाम इधर का मेला, इधर की इंजॉयमेंट, ख्वाजा फरीद के और भी कलाम मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, और मेरे चैनल से आप देख सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इसके अलावा भी रोही चोलिस्तान का मंजर, ख्वाजा की नगरी। चलो दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो हम आए हैं इधर डेजर्ट में, और साथ ही वो कंडा शरीफ है, उधर कंडा शरीफ से तकरीबन कोई आधा एक किलोमीटर है दूर, ठीक है। और ये सात कोपे बने हुए हैं इधर, इधर एक शो होता है जो मेले वाले दिन, वो इधर ये बनाया हुआ है उन्होंने ग्राउंड। और ये देखें, हम अभी रेत आपको दिखाते हैं, ये देखें रेत, रोही चोलिस्तान का मंजर क्या ही खूबसूरत है। और रोही चोलिस्तान की वीडियोज़ भी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ रहें और हमारी वीडियो देखते रहें। के बाद ये जो कंडा शरीफ है रोही चोलिस्तान में, जिला रखियार खान में, तहसील लियाकतपुर में, एक कस्बा है फिरोजा उसके करीब, तो इधर मेले भी किए जाते हैं। जो अभी आने वाला है फरवरी में मेला, बहुत ही आला इंतजाम किया जाता है इधर मेले में। और जो दोस्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे करीब से, वो आकर मेला भी इंजॉय कर सकते हैं फरवरी को, 21, 22 और 23 को। 2022 की भी बात है, जो 21, 22 और 23 को मेला होगा इधर, जिसमें ऊँट की झूमर, घोड़ सवारी, उसके बाद वो जो होती है कबड्डी, उसके अलावा भी बहुत सारे इधर मेले में इंजॉयमेंट होती है। इंजॉयमेंट देखने के लिए आप आ सकते हैं इधर, मेला इंजॉय कर सकते हैं और रोही चोलिस्तान की रेत भी इंजॉय करें। और चलते रहें हमारे साथ, हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।